बोलबम। अभी हम लोग सुल्तानगंज उतर के और अभी गंगा जी में जल पूजन करने जा रहे हैं और फिर वहाँ से देवघर चलेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम गंगा नदी और वहाँ से फिर जल पूजन करके और फिर देवघर जाएंगे बाबा को जल चढ़ाने। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे कितने भक्तजनों का लगातार भीड़ लगा हुआ है, लगातार लोग आते जा रहे हैं जबकि सावन खत्म हो चुका है, फिर भी अभी इतना भीड़ लगा हुआ है। चलिए आपको गंगा तट का हम लोग दृश्य दिखाते हैं। बोलबम। तो अभी हम लोग गरीब नाथ आए हुए हैं यहाँ पे सुल्तानगंज और यहाँ पे अभी जल पूजी हुआ है। देख सकते हैं ये गंगा नदी है और गंगा नदी से सब लोग यहाँ पे अभी जल पूजी कर लिए है। हम लोग चलेंगे देवघर बाबा को जल अर्पित करने। चलिए आप लोगों को हम बाबा के नगरी का दर्शन कराएंगे। वहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जल ले लिया है सभी लोगों ने और अब चलेंगे यहाँ से हम लोग अब बाबा के नगरी में देवघर, वहाँ पे बाबा को जल चढ़ाने। देख सकते हैं है बाबा गरीबनाथ गंगा नदी। अभी आप देख सकते हैं हम लोग देवघर पहुंच चुके हैं और देवघर में लाइन लगा हुआ था, जैसे कि सावन खत्म हो चुका है, हम लोग सावन के बाद आए हैं। देख सकते हैं ये है मंदिर का मुख्य द्वार जिससे लोग अंदर जाते हैं जल पूजा के लिए। अभी आपको टाइम बता दे कि टाइम अभी 1:40 हो रहा है और देखते हैं कि हम लोग कितने देर में जल अंदर पे बोझी करके निकलते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे भी लाइन लगा हुआ है बहुत सारा। तो चलिए अब जल जिस समय चढ़ाएंगे उस समय का आपको क्लिप दिखाते हैं कि उस समय कितना टाइम हो रहा है। ऐसे बहुत लंबा लाइन है। अब जैसे मैंने बताया कि सावन खत्म हो चुका है, सावन के समय बहुत सारे भीड़ लगे रहते थे, बहुत सारे भक्तगण रहते हैं यहाँ पे, थोड़ा भी जगह चलने को नहीं रहता। पर अभी देख सकते हैं पूरा स्पेस खाली नजर आ रहा है। चलिए अब मंदिर के अंदर का आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। देख सकते हैं भक्तजनों के लिए, कंवरिया लोगों के लिए यहाँ पे जगह जगह पे पंखा लगाया गया है, बिजली का व्यवस्था किया गया है, लाइट का व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था किया गया है जगह जगह पे। तो चलिए अब अंदर की आपको हम दर्शन कराते हैं। ये देखिए हमें अब देवघर नजर आ रहा है, देख रहे हैं लाइन में ही है, पर अभी देवघर वहाँ पे भोले बाबा का स्थान और मैया पार्वती का स्थान उधर है। और अगर अभी हम लोग रास्ते से ही चल रहे हैं, अभी हम लोगों को अभी और आगे चलना है, फिर उसके बाद जल पूजा करेंगे बाबा के लिंग के पास चल करके। आपको बता दें कि यहाँ आने से 5 किलोमीटर पहले ही स्टैंड में बस लगा दिया गया है और वहाँ से हम लोग आ रहे हैं अभी। चलिए आगे की जानकारी आपको देते हैं। यार देख सकते हैं जिस समय सावन के समय में ये कटघेरा जो नजर आ रहा है, इसके बीच से इसके चारों बगल से घूम करके यहाँ आना पड़ता है, पर भीड़ न होने के कारण हम लोग सीधे डायरेक्ट यहाँ पे अभी जा रहे हैं, नहीं तो पूरे ऊपर क्रॉस करके नीचे जाना पड़ता था। एक इधर लेडीज का लाइन, जेंट्स का लाइन, पर अभी भीड़ न होने के कारण एक साथ ही सबको एडजस्ट कर लिया गया है। और ये बहुत ही पावन मंदिर है, यहाँ पे सावन के समय में लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं जल पूजा करने। बोलबम 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 बोलबम। जैसे मैंने पहले बताया ऊपर जो कटघेरा दिखाया हमने, सेम वही कटघेरा ऐसे ही नीचे ही बना हुआ है और सावन के समय में ये पूरा घूम के आना पड़ता है। और ये आरती का यहाँ पे सब आरती और जगह जगह पे यहाँ पे आरती भी लगाया होता है कि आप यहाँ से आरती करें। और ये सब जो लाइन देख रहे हैं ये भक्तजनों के लिए ही है, देख सकते हैं ये। और यहाँ से क्रॉस करके फिर इधर मंदिर में जाने का रास्ता है। अभी हम लोग मंदिर में चलने वाले हैं, चलिए मंदिर के अंदर का सीन आपको दिखाते हैं। और फाइनली हम लोग देख सकते हैं पहुँच गए हैं बाबा के मेन गेट पे। मेन द्वार है यहाँ पे बाबा का, यहाँ से ही जल पूजा शुरू होता है, यहाँ पे मेन गेट है।
और अंदर बाबा को दरबार दिख रहा होगा। यहाँ पे लगातार घूम का बस लगा हुआ है। अब अंदर की प्रक्रिया आपको दिखाते हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए देख सकते हैं लाइन लंबा लगा हुआ है और प्रशासन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ताकि यहाँ पे कोई समस्या ना हो, कोई भीड़ भड़कम पे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पे प्रशासन अधिकारियों को यहीं पे ही बाबा का आत्मा वो देखे हुए बाबा का अब देख सकते हैं बाबा का शिवलिंग।